मिशन 2022 को लेकर भाजपा की बड़ी तैयारी लगातार जारी है और इसी को लेकर दो दिनों तक चली ताबड़तोड़ बैठकों के बाद भाजपा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भी मौजूद थे। इसमें यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने बीजेपी का अपना दल और निषाद पार्टी से गठबंधन का औपचारिक ऐलान किया। साथ ही धर्मेंद्र प्रधान ने कई बातें भी वहां पर कही। और इस वक्त हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं और उनके साथ मौजूद हैं निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद। हम सीधा अनुभव का रुख करेंगे और अनुभव के जरिए हम जानना चाहेंगे संजय निषाद से कि उनकी पार्टी और बीजेपी के बीच में क्या सहमति बनी है और कैसे अनुभव आगे ये चुनाव लड़ने वाली है निषाद पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर, किस फॉर्मूले पर सहमति बनी है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमारे साथ डॉक्टर संजय निषाद है और आज जिस तरीके से गठबंधन का ऐलान हुआ, खुद चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने ऐलान किया, डॉक्टर संजय निषाद भी मौजूद है। हालांकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी नहीं कहा, मीडिया ने कहा कि भाई हम संजय निषाद जी से सवाल पूछना चाहते हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा नहीं आज हम जवाब देंगे, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर संजय निषाद एक्सक्लूसिव मौजूद हैं इस वक्त और हम जानेंगे। सर आज तो गठबंधन का ऐलान हो गया, सीटें कितनी दे रही बीजेपी, या वहाँ भी नहीं बताया किसी ने, आप तो बताइए। अब 2019 से हम लोग गठबंधन में हैं और आगे कैसे जीतेंगे उसे फिर से रिफ्रेश करके आगे बढ़ाने का आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस था और उन्होंने सब बता दिया कि जिनके सामाजिक मुद्दे भी समय समय पर दिखेंगे हल होके और सीटें भी सम्मानजनक होगा, ऐसा कैसे कह सकते हैं। उन्होंने बताया भी, आपके सवाल का जवाब है नहीं तो सम्मानजनक सीटें कितनी होंगी, 5 होगी, 8 होगी, 10 होगी, 12 होगी। हम लोगों ने खुद प्रस्ताव पारित कर रखा कि हमारे सामाजिक मुद्दे पहले हल हो जाएं और हल होंगे तो कुछ भी दे दे उसके लिए हम संतोष करने के लिए तैयार हैं और उसके लिए उन्होंने खुद ही कह रखा माननीय मुख्यमंत्री जी को, मैं बधाई दूंगा योगी आदित्यनाथ जी को कि हमारे समाज के लिए उन्होंने सकारात्मक रूप अपनाया और उन्होंने निर्देश जारी किया और माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह को सौंप रखा कि इनके मुद्दे कैसे हल हो सकते हैं उस पर जल्दी से काम करें। लेकिन कुछ तो आपको हिंट, आपने जो प्रपोजल दिया था, आपने पहले हमसे बात की थी तो कहा था 60 से 70 सीटों का प्रपोजल है, उस पर कितनी सीटों पर वो माने। उसे समय आने दीजिए और अभी तो 7 महीने चुनाव है, 6 महीने चुनाव है और समय आने पर सब पता चल जाएगा कि निषाद पार्टी जो भी हम सीटें मिलेगी सम्मानजनक मिलेगी, अपने सिंबल पर भोजन भरी थाली से चुनाव लड़ेगी। सम्मानजनक आपके लिए कितना है, 5 सीट है, 10 सीट है, 20 सीट? सम्मान तो पहले है कि जिस गरीबों की आवाज 70 साल से जो दबाया गया है, जिसको देश को आज़ाद कराया था, जिसने सभी सबको वोट दिया 70 सालों से सभी सरकारों को, पिछली पार्टियों को, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया, कभी घूम के देखा भी नहीं, उसकी आवाज़ है निषाद पार्टी और उस आवाज़ के लिए एक प्लेटफार्म भारतीय जनता पार्टी। उस प्लेटफार्म पर आने के बाद अगर इस प्रदेश के प्रभारी ये कहें कि नहीं ठीक है समय समय पर सब दिखेगा इनके हल होंगे तो बहुत बड़ी बात है, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। और सीटें महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे उस सामाजिक उस आवाज़ के हल किन समस्याओं को हल करने की बात कही है अनुभव, ये जानना बहुत जरूरी है। ये बार बार फोकस कर रहे हैं कि हमारी समस्याओं को, हमारे समाज की समस्याओं को हल करने की बात कही गई है, आश्वासन दिया गया है, तो क्या समस्याएं इन्होंने रखी, कब तक और किस तरीके से हल करने का आश्वासन दिया गया है, ये बहुत जान लेना आवश्यक है अनुभव। बिल्कुल 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 राजेंद्र, मैं आपका सवाल पूछता हूँ, स्टूडियो से सवाल है, हमारे एंकर राजेंद्र जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि किस तरह की मांगें आपकी हैं, कब तक वो हल होंगी, इस पर क्या इंश्योरेंस मिला है। देखिए मांग हमारी नहीं, ये हम जब तक पैसे से चिकित्सक थे उससे पहले माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारी आवाज़ को सड़क से स्वतंत्र उठाए कि संविधान देश को आज़ाद कराने में मछुआरों का बहुत बड़ा भूमिका रहा और देश को आज़ाद कराने में उन्हें क्रिमिनल कास्ट घोषित किया। अंथा समय अंगार कमेटी 1949-50 बना, लिखा गया कि SC ST से भी खराब दशा इनको है, इन्हें कानून बनाकर अंग्रेजों ने उजाड़ा, इन्हें बसाया। संविधान में मझवार, गौंड, तुरैया, खरवार, बेलदार, खरोट, कोली, हम 7 नामों से सूचीबद्ध हैं। जाटो भाई जो है, जिसे हम लेदर मैन कहते हैं, उनकी कोई भी सरनेम लगाएं, कोई भी उपजाति हो, नर्स भी सरनेम लगाएं, उन्हें सर्टिफिकेट मिलता है। आज के दिन में पासी भाई भी कोई सरनेम लगाएं, रावत लगाएं, चाहे पासवान लगाएं, उन्हें मिल जाता है। हमारा कोई बेटा जो है मझवार का, भाई मझवार जो है कॉन्स्टिट्यूशनल, हमें मझवार कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ अनुसूचित जाति के, और राष्ट्रपति ने 1961 में लिख रखा कि केवट मल्ला मझवार हैं, इनमें गिनती करो। हम 70 लाख थे 1961 में, अभी 3,000 कर दिया पिछली सरकारों ने गिन कर, तो केवट मल्ला को पिछड़ी जात में डाल दिया इनके पुकारू नाम को, सरनेम को, और रोक दिया कि इन्हें अनुसूचित नहीं मिलेगा। तो हमारा
काम एक आसान तरीका है कि हमारा मझवार मिलना चाहिए और जो पुकारू नाम है उन्हें मिलना चाहिए। हमारा नाम पिछड़े में पिछड़ी सरकार ने 31/12/2016 को निकाल रखा है। राज्यपाल को पावर है, पब्लिक सर्विस कमीशन SC/ST OBC रिजर्वेशन 1994 धारा 13 में उन्होंने अपना कर, तो ये ऑफिशियल त्रुटि है उसे पूरा करना। तीसरा, 2007 में बहन जी ने जब गद्दी संभाली तो वर्ग 3 की जमीन जो थी आसामी दर था, वर्ग 4 की जमीन थी कि जो उन लोगों ने अंग्रेजों के समय अपने कब्जे धार थे। तो जब हमने देश को आज़ाद कराया और किसी तरीके से जब देश आज़ाद, अंग्रेजों ने कह दिया भाई नीचे जो तालघाट है तुम्हारे नाम आसामी दर्ज है, उसे छीन लिया, काला कानून बनाकर छीन लिया। अब तय किसी की रोजी रोटी छीना जाए उसे वापस करना तो अच्छी बात है ना। तो ये सारी विसंगति दूर करने की, आप 2019 से इनके साथ हैं तब भी तो 2 साल का वक्त बीत गया, अभी तक तो वो चीज़ें लागू नहीं हो पाई। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े काम हुए, राष्ट्रीय मुद्दे 370 धारा, ठीक है अनुभव, ये कह रहे हैं कि कोरोना, ये कह रहे हैं कि ये जो पुराने पुराने मुद्दे हैं और जो त्रुटि बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि त्रुटि को दुरुस्त कर लिया जाएगा। अनुभव एक बड़ी अपडेट है इस वक्त हमारे पास, उसको बताने के बाद मैं आपके पास वापस आता हूँ। अनुभव, बड़ी खबर लखनऊ से है, पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी का बयान आया है, प्रभुराम और निषाद राज की गले लगती प्रतिमा लगवाएगी सरकार, अयोध्या में भी काशी की तरह क्रूज चलेगा, रेजिडेंसी में बहुत जल्द लाइट एंड साउंड शो का लोकार्पण होगा। ये नीलकंठ तिवारी का बयान है, वो कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम और निषाद राज की गले लगती मूर्ति लगवाएंगे और अयोध्या में भी क्रूज चलेगा। अनुभव, मूर्ति की बात हो रही है, मंत्री जी कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम और निषाद राज की गले लगती मूर्ति लगाई जाएगी, तो ये फिर मूर्ति वाला आश्वासन तो सामने आ गया है, मूर्ति लगाई जाएगी, लेकिन ये जो समस्याएं बता रहे हैं इस पर तो अभी तक कोई स्पष्ट बात नहीं आई है। देखिए बिल्कुल गठबंधन में जाते ही अगर सरकार ये कह रही है कि हम मूर्ति लगाएंगे, हम खुद जवाब जानेंगे डॉक्टर संजय निषाद से। आज पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी ने कहा है कि सरकार प्रभु श्री राम की और निषाद राज की गले लगती मूर्ति लगाएगी, तो आपकी एक मांग तो उन्होंने मानी ली। देखिए भारतीय जनता पार्टी, बधाई दूंगा कि उसने मान श्री राम और रामचंद्र की गले लगी मूर्ति के लिए टेंडर डाल दिया और पर्यटक 70 साल से हमने सबको वोट दिया और एक ईंट भी नहीं रखा निषाद राज के लिए, पता नहीं चलने दिया, बल्कि जितने नेता उस निषाद राज के किले का वर्णन किए या अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी मांगे, चाहे महेंद्र सिंह राजपूत हो, धनीराम मरमा हो, रघुबर दयाल वर्मा हो, मनोहर लाल जयपाल कश्यप, जोरीबिंद, चाहे फूलन देवी, चाहे जमुना निषाद हो, सारे के सारे पिछली सरकारों ने उन्हें ख़त्म करा दिया। तो निषाद राज के किले पर आज पर्यटक स्थल घोषित हो रहा, वहाँ एक बहुत बड़ा पार्क बन रहा है, मूर्ति लग रही है। अभी तो मैंने ऐलान किया कि हम सत्ता में आएंगे 2022 में, तो हर गांव में ये संदेश जाना चाहिए भाई राम और निषाद राज जब गले मिले थे तब दुनिया में शांति आई थी, और राम की कैबिनेट में जब निषाद राज थे तब राम राज आया था। तो ये जो मछुआरे हैं देश को आज़ाद कराने वाले हैं उन्हें भी जगह मिलनी चाहिए, उनकी भी हिस्सेदारी। आपने कहा कि जब कैबिनेट की बात आपने की, तो क्या आप कैबिनेट में इंडक्ट होंगे, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि MLC आप बनेंगे, इस पर आप कुछ कह नहीं रहे हैं। जब से आप BJP से मिल के आए हैं आपने बिल्कुल अपने आप को एकदम साइलेंट कर लिया इस सवाल पर। 2022 में, क्योंकि 2022 है लक्ष्य हम लोग का, बस चिड़िया की आँख की तरह हम लोग 2022 में जीतेंगे। अब गठबंधन की सरकार बनेगी, हम उसके अंग हैं, जब गठबंधन की सरकार बनेगी फिर उसमें हम लोग जो भी समस्याएं हैं मुद्दे हम लोग हल करेंगे। तो राजन देखिए, ये साफ तौर पर संजय निषाद कुछ कह नहीं रहे, ये इनका स्टाइल नहीं है, ये खुल के बोलते हैं, लेकिन चूंकि आज गठबंधन का ऐलान हुआ है, BJP के बड़े नेताओं के साथ बैठक की, बिल्कुल अनुभव, ये जो आपने बात कही कि ये खुलकर बोलते हैं इनका स्टाइल नहीं है, ये तो उप मुख्यमंत्री पद की मांग कर रहे थे, ये तो कह रहे थे कि लगातार हमारे मुद्दे हैं उसको लेकर सहमति बनी है, हम लगातार साथ में हैं, ना इनकी समस्याओं पर कोई आधिकारिक बात हुई, ना उप मुख्यमंत्री वाली बात आगे बढ़ रही है, अब कैबिनेट की बात ये कह तो रहे हैं लेकिन उस पर भी साफ खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसका कारण क्या है, ये जो रहस्यमय चुप्पी इन्होंने साध रखी है, ऐसी क्या बात हुई है कि उस पर ये कुछ भी संकेत देने को तैयार नहीं है। अनुभव, ये रहस्यमय चुप्पी आपने क्यों साध रखी है, स्टूडियो से सवाल है, आप उस पर कुछ बोल क्यों नहीं रहे। कोई रहस्यमय नहीं है, सारे सवालों का जवाब दे दिया ना, मैंने बता दिया कि उन्होंने खुद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इनको सम्मान मिलेगा। के लिए आपको कहा है, आश्वासन तो दिया MLC वाला, तो मैंने बताया कि हम लोग पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं, पहले जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी मीडिया में आए हों एक ही सवाल मेरा है कि हमारे जो सामाजिक मुद्दे हैं, हमारे मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे हैं, और इनके अलावा कोई कर नहीं सकता, और उन्होंने देखे मंच से कह दिया कि समय समय पर सब दिखेगा, सब होगा।
राजन, बहुत सारे कार्यकर्ता चूंकि आए हुए हैं तो डॉक्टर संजय निषाद को भी अन्य कार्यक्रमों में भी जाना जी, जी, जी। पर ये जरूर है कि वो ये बिल्कुल आपने कहा कि राष्ट्र में चुप्पी शादी हुई उन्होंने, हाँ चेहरे पे मुस्कान जरूर है। हाँ बिल्कुल ठीक है आपने अनुभव, ये बात हम सब लोग देख रहे हैं, मुस्कुरा के बोल रहे हैं वो, लेकिन मुस्कुरा के वैसे नहीं बोल रहे हैं जैसा कि वो बोलते रहे हैं या जिसके लिए जाने जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनुभव आपका इस बातचीत के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।